The taxi charges in a city consists of fixed charge together with the charge for the distance covered ek एक hai टैक्सी है जो चार्ज करती है किसी सिटी में फिक्स चार्ज तो वो करती करती है साथ में वो चार्ज करती है डिस्टेंस कवर का for a distance of 10 km the किलोमीटर paid is rupees 105 रुपीज़ वन अगर वो टेन किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है वो चार्ज करती है वन हंड्रेड फाइव रुपीज़ अगर 15 किलोमीटर कवर करती है देन वो चार्ज करती है रुपीज़ वन वट आर द फिक्स चार्जेस हमें बताना है फिक्स चार्जेस कितने हैं और चार्ज पर किलोमीटर कितना है और हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी फ़ाइव किलोमीटर एक बंदे को अगर ट्वेंटी फाइव किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिक्स चार्जेस कंसिडर करेंगे एंड हम डिस्टेंस कवर के चार्जेस पर किलोमीटर के हिसाब से उसको लेट करेंगे ये फिक्स चार्ज है हमारे पास x x प्लस अब टेन किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है मीन्स हमारे पास क्या आएगा टेन वाई इज़ इक्वल टू वन हंड्रेड फाइव दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन x प्लस टेन वाई इज इक्वल टू वन हंड्रेड फाइव नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन फिक्स चार्ज तो x ही रहेगा फिफ्टीन किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो किलोमीटर पर चार्ज इंटू डिस्टेंस कवर्ड फिफ्टीन इंटू वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव दिस इज सेकेंड इक्वेशन नाउ वी हैव टू डू इट बाय सब्स्टिट्यूशन मैथड हम फर्स्ट इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकालेंगे और सेकेंड में पुट कर देंगे एक्स क्या आ जाएगा वन हंड्रेड फाइव माइनस टेन वाई नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन देअर फोर फ्रॉम टू दिस इज इक्वल टू वन हंड्रेड फाइव माइनस टेन वाई प्लस फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव ना माइनस टेन वाई प्लस फिफ्टीन वाई दिस इज इक्वल टू प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव अब हम कॉन्स्टेंट एक साइड पर लेके जाएंगे सो दिस इम्प्लॉय इज़ फाइव वाई इज इक्वल टू वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव माइनस वन हंड्रेड फाइव सो फाइव वाई इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू फिफ्टी वाई का आंसर क्या आ जाएगा फिफ्टी ओवर वाई दिस इज इक्वल टू टेन दियर फोर वाई हमारे पास टेन आ गया ना वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ वाई इन दिस इक्वेशन दियर फोर एक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड फाइव माइनस टेन वाई ओके यहाँ पर हम वाई की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस टेन इंटू टेन दिस इज इक्वल टू वन हंड्रेड फाइव माइनस टेन इंटू टेन इज़ हंड्रेड सो एक्स इज़ इक्वल टू फाइव दे फोर एक्स क्या था फिक्स चार्ज दे फोर फिक्स्ड चार्ज इज़ इक्वल टू रुपज फाइव एंड चार्ज पर किलोमीटर हमारे पास आ गया है टू रुपज टेन ओके चार्ज फॉर ट्वेंटी फाइव किलोमीटर इज़ इक्वल टू हम फिक्स चार्ज में इसको ऐड करेंगे एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव वाई सो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे एक्स क्या है फाइव फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव इंटू टेन सो आंसर इज़ फाइव प्लस टू फिफ्टी सो दिस इज़ इक्वल टू रुपेज़ टू फिफ्टी फाइव सो ट्वेंटी फाइव किलोमीटर के लिए कितने पैसे लगेंगे रुपज़ टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव अ फ्रैक्शन बिकम्स नाइन ओवर इलेवन इफ टू इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमीरेटर एंड डिनोमिनेटर कहते हैं कि फ्रैक्शन क्या बन जाती है नाइन ओवर इलेवन बन जाती है अगर हम न्यूमिरेटर में भी हम टू ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी टू ऐड कर दें एक हमारे पास इसी तरह की क्वेश्चन बनेगी दूसरी बनेगी इफ़ थ्री इज एडेड टू बोथ द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर हम थ्री ऐड कर दें न्यूमिरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी जो न्यूमिरेटर होता है वो लाइन के ऊपर होता है डिनोमिनेटर लाइन के नीचे होता है दिस इज़ इक्वल टू फाइव ओवर सिक्स ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है अब हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है तो हम मान लेते हैं फ्रैक्शन क्या है हमारे पास एक्स ओवर वाई ओके टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास अगर हम न्यूमिनेटर में टू ऐड करें एंड डिनोमिनेटर में टू एड करें तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है नाइन ओवर इलेवन अब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जी इलेवन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू अब नाइन के साथ किया जा रहा है वाई प्लस टू जब मल्टीप्लाई होगा तो इलेवन एक्स से भी होगा इलेवन टू से भी होगा इलेवन एक्स प्लस ट्वेंटी टू इज इक्वल टू नाइन वाई प्लस एटीन ओके इलेवन एक्स माइनस नाइन वाई इज इक्वल टू एटीन नॉ ट्वेंटी टू विल कम टू राइट हैंड साइड सो दिस बिकम्स नेगेटिव नाउ दिस बिकम्स इलेवन एक्स माइनस नाइन वाई इज इक्वल टू माइनस फोर दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन अब सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी जो हमने सेकेंड लाइन पढ़ी थी वेन वी एड थ्री टू न्यूमिनेटर एंड वी हैव टू एड थ्री टू डिनोमिनेटर फाइव ओवर सिक्स ओके अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो सिक्स इंटू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव इन टू वाई प्लस थ्री सिक्स एक्स प्लस एटीन इज इक्वल टू फाइव वाई प्लस फाइव थ्री जै फिफ्टीन अब वेरिएबल टर्म्स एक साइड पे रखेंगे फाइव बाई लेफ्ट पे जाएगा इट विल बी नेगेटिव नाउ फिफ्टीन माइनस एटीन सो सिक्स एक्स माइनस किसी ने इसको सब्ट्रैक्शन नहीं कर देना है सिक्स माइनस फाइव तो वन आ गया नॉट लाइक दिस ओके इज इक्वल टू फिफ्टीन माइनस एटीन इज माइनस थ्री दिस इज सेकेंड इक्वेशन नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन वन एंड टू बाई सब्सटीट्यूशन मैथड इसमें की वैल्यू फाइंड करते हैं इलेवन एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस एक्स इज इक्वल स्टार ये हम पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू में सो सिक्स इंटूस फोर प्लस नाइन वाई ओवर इलेवन माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू minus three minus twenty four plus nine, 9 six of fifty four y over 11 minus 5 y is equal to minus three now we will take lcm 11 lcm i 11 5 is the fifty five y is equal to minus three now this is equal to minus twenty four minus y. ना जो इलेवन है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस थर्टी थ्री हमें वाई की वैल्यू चाहिए सो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस थर्टी थ्री प्लस ट्वेंटी फोर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस नाइन नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा वाई इज इक्वल टू नाइन वापस वाई की वैल्यू स्टार्ट में पुट करेंगे सो so एक्स क्या हो जाएगा माइनस फोर प्लस नाइन इंटू नाइन ओवर इलेवन दिस इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस एटी वन ओवर इलेवन सो दिस इज इक्वल टू सेवनटी सेवन ओवर इलेवन इलेवन सेवन ज सेवनटी सेवन सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई सेवन नो हमें बताना है फ्रैक्शन क्या है सो फ्रैक्शन इज एक्स ओवर वाई दिस इज इक्वल टू सेवन ओवर नाइन सो नैक्स्ट इज फाइव ईयर्स हैंस द एज ऑफ जैकॉब विल बी थ्री टाइम्स दैट ऑफ हिज सन पाँच साल के बाद जो जैकॉब की एज होगी वो तीन गुना हो जाएगी अपने बेटे से फाइव ईयर्स अगो जैकॉब एज वाज सेवन टाइम्स दैट ऑफ हिज सन पाँच साल पहले की बात कर रहा है कि जो जैकॉब की एज थी वो सेवन टाइम्स थी अपने बेटे से अब अपने प्रेजेंट एज बतानी है पहले हम एज कंसिडर करेंगे Now let age of Jacob is x years, age of his son is y years. According to question, five years hence, पांच साल बाद Jacob की age कितनी हो जाएगी उसमें फाइव add हो जाएगा x plus फाइव years. और उसकी son की age कितनी हो जाएगी y plus फाइव years. Now अब question के according क्या बोला था Age of Jacob will be three times of his son. Now वट इज एज ऑफ़ जैकॉब एक्स प्लस फाइव दिस इज थ्री टाइम्स हिज सन्स एज इसको हम सॉल्व कर लेंगे एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री वाई से भी मल्टीप्लाई होगा थ्री फाइव से भी होगा थ्री वाई प्लस फिफ्टीन नाउ एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू टेन दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ना फाइव इयरस गो जैकॉब्स एज इज पाँच साल पहले जैकब की एज कितनी हो जाएगी एक्स माइनस फाइव ईयर्स एंड इज सन्स एज इज वाई माइनस फाइव ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैकॉब एज वाज सेवन टाइम्स हिज सन्स एज राइट हमने सेवन टाइम्स कर दिया एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सेवन वाई माइनस सेवन फाइव जा थर्टी फाइव वेरिएबल टर्म्स हम एक साइड पे लेके जाएंगे एक्स माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस थर्टी फाइव प्लस फाइव एक्स माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस थर्टी दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन अब हम फर्स्ट इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे एक्स इज इक्वल टू टेन प्लस थ्री वाई नाउ, अब हम एक्स इज इक्वल टू टेन प्लस थ्री वाई पुट करेंगे इक्वेशन नंबर टू में टेन प्लस थ्री वाई माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस थर्टी नाओ टेन अब थ्री माइनस सेवन माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस थर्टी वेरिएबल टर्म एक साइड पे रखेंगे एंड कांस्टेंट हम उधर ले जाएंगे माइनस थर्टी माइनस टेन सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस फोर्टी वाई इज़ इक्वल टू नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होएगा वाई इज इक्वल टू फोर्टी ओवर फोर कैंसलेन करिए फोर वन ज फोर फोर वन ज फोर फोर जीरो टू ज़ीरो वाई इज़ इक्वल टू टेन सो वी गॉट वाई इज़ इक्वल टू टेन एंड वी विल